22 मार्च यानी बिहार दिवस। बिहार की गौरवशाली यात्रा महज 109 साल पुरानी नहीं है, इसका अतीत हजारों वर्षों से बेहद समृद्ध रहा है। बिहार ने देश दुनिया को शताब्दियों से रास्ता दिखाया है, कई मोर्चे पर अब भी दिखा रहा है, आगे भी दिखाएगा। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने बिहार की आत्मा में झांक कर देखा था। उन्होंने कह रखा है कि शिक्षा की स्थिति अगर सुधर जाए तो भारत का नेतृत्व फिर से बिहार ही करेगा। कलाम के शब्दों को देश भर में फैली इस प्रदेश की मेधा से जोड़कर देखा जा सकता है। बिहार सब जगह है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक निर्माण की सभी कहानियों का हीरो है, बुनियाद का पत्थर है, राजनीति का प्राण है, नेतृत्व की प्रेरणा है। अतीत से वर्तमान तक बिहार के पहुंचने की प्रक्रिया की सीमा नहीं है, इसी में अपनी मिट्टी पर गर्व करने की कई क्षण भी छुपे हैं। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार को विधिवत राज्य का दर्जा दिया गया था। उस वक्त उड़ीसा यानी उड़ीसा अब झारखंड भी बिहार के साथ थे। तब भी बिहार पूर्ण निर्माण के रास्ते पर चल रहा है। अब बात करते हैं बिहार दिवस के मौके के कार्यक्रम के बारे में। बिहार दिवस के अवसर पर बिहार संग्रहालय समूचे दुनिया में इतिहास रचने वाला है। पूरी दुनिया में बिहार का डंका बजने वाला है। दुनिया के 7 देश और कई राज्यों के संग्रहालय वर्चुअली एक साथ जुड़कर देश दुनिया का इतिहास, संस्कृति और अपने ऐतिहासिक धरोहरों का आदान प्रदान करेंगे। ये पहला मौका है जब म्यूजियम बिएनाले का आयोजन किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन की मेजबानी कर रहा है बिहार संग्रहालय, बेहद उत्साहित है। 22 मार्च को बिहार दिवस के दिन ही इस बड़े आयोजन की शुरुआत हो रही है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वर्चुअली मौजूद रहेंगे। बिहार के संग्रहालय में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में लोग फिजिकली भी भाग ले सकते हैं, साथ ही इसे ऑनलाइन माध्यम से वर्चुअली दुनिया के कोने कोने में भी देखा जा सकता है। बिएनाले में वर्चुअल टूर के जरिए भारत दुनिया भर के विभिन्न संग्रहालयों से प्रमुख संग्रहों को देखा जा सकता है। ये कार्यक्रम 22 से 28 मार्च तक चलेगा। 7 दिनों तक चलने वाले इस म्यूजियम बिएनाले कार्यक्रम में भारत की कई संग्रहालय भी शामिल है। असम राज्य संग्रहालय, बिहार संग्रहालय, सिटी पैलेस संग्रहालय, छात्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मुंबई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, कान्हा म्यूजियम ऑफ लाइफ एंड आर्ट, मध्य प्रदेश किरण नादर कला संग्रहालय शामिल हैं।